आया था तू? अंग्रेजी में कहाँ आया था? गई आया था। अच्छा हाँ, टोपी नहीं, नहीं पहचान लिया, पहचान लिखिए प्रश्न। इफ वन प्लस आयोटा, इफ वन प्लस आयोटा एंड फाइव प्लस सिक्स आयोटा आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, देन फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस, देन फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। वन प्लस आयोटा एंड फाइव प्लस सिक्स आयोटा आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देन फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। चाय पी रहा हूँ, सब नहीं कटो आप। क्या है, ये रहा अपना एक स्क्वायर, है ना। मान लीजिए ये डायगोनल अपने को बताया गया है, क्या है इसका वर्टेक्स? वन प्लस आयोटा। ये कितना है? फाइव प्लस सिक्स आयोटा। मान लीजिए ये जेड है, ये 90 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज। चलिए लगाते हैं, वन प्लस आयोटा माइनस जेड अपॉन 5 प्लस 6 आयोटा माइनस जेड इक्वल्स टू, दोनों के मॉडुलस तो सेम ही होंगे, लेंथ सेम होती है, क्या आएगा? ई की पावर आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा। सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। 5 आयोटा माइनस 6 माइनस जेड आयोटा, देख लो 6 और 1 7 माइनस 4 आयोटा, जेड इंटू 1 माइनस आयोटा। सही है, जेड इक्वल्स टू आ गया 7 माइनस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो भी आना हुआ आ जाएगा। 11/2 मैच कर रहा है किसी का? देखो कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। और अब ये निकल गया, ये निकालने के लिए चाहो तो सेम प्रोसेस कर सकते हैं अपन लोग, है ना। और चाहो तो अपन ये भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। क्यों? नहीं आएगा, आएगा आएगा। यहाँ इनिशियल फाइनल अलग अलग है ना, उससे भी आएगा। और चाहो तो मिड पॉइंट वाला फंडा लगा दो, ये मिड पॉइंट दोनों का जो है वो इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा, उससे भी आ जाएगा। बोलिए निकाल दीजिए यार। जितनी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स में, उसमें रोटेशन लगाना पड़ता है ना, रोटेशन यूजफुल है। प्रश्न करिए, लिखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
whose vertices are z, comma, iota into z, comma, z plus iota z. लिखा है मैंने फाइन ना, इफ मॉड जेड इक्वल्स टू टू, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल उस वर्टिसेस आर दिस इफ मॉड जेड इक्वल टू टू, अननोन हो जाएगा। अरे ये तो अपने हो गए एक्सिस है ना, अब बताओ देखो यदि ये मान लीजिए जेड है तो आयोटा जेड क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, आयोटा का मल्टीप्लाई करने पे 90 डिग्री का रोटेशन। तो मैंने क्या किया, जो भी ये लेंथ है उसी लेंथ का मैंने यहां पर एक सेम टू सेम ड्रॉ कर दिया, मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। इसको ऐसे मिला दिया, अब ये लेंथ कितनी है मॉड जेट, ये भी कितनी है मॉड जेट, तो ये भी मॉड जेट ही होगी है कि नहीं, ये भी मॉड जेट है। अब चारों लेंथ बराबर तो क्या है, लेंथ बराबर और एक एंगल 90 डिग्री, तो क्या बनेगा स्क्वायर। आपको क्या बोला है, ये क्या है जेट प्लस आयोटा जेट, आपको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए है कि नहीं, तो पूरे का निकाल के चाहे देख लो कैसे भी करने का मन हो, बताओ इसका निकाल दूं, हाफ मॉड जेड स्क्वायर इसका एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, कितना दिया है मॉड जेड चार्टिंग, पहली पहली बार में कॉम्प्लेक्स तो अजीब सा लगता है ना, अजीब सा लगता है, लेकिन जब जैसे शीट लगा लोगे ना बढ़िया से, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है भर भर के सब में, मेन चैप्टर है एडवांस का। बस ये कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर से करने में कई बार तकलीफ होती है, धीरे धीरे वो सेटअप हो जाता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है हर चैप्टर। अगर एक्स वाई में चेंज कर लोगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं सीख पाओगे, ये भी हमारा क्वेश्चन तो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा उससे, कोशिश करो कॉम्प्लेक्स नंबर ही लगाओ अभी तो प्रैक्टिस में, तो कम से कम लिख ले बेटा जल्दी से। हो गया, चलिए अब ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर, डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, क्या होता है आराम से समझते हैं, देखो देखो बेटा, जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू दिया है हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर में एन, एन क्या है कोई इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक बात, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मान लो जैसे क्यूब है, मान लो स्क्वायर है, इसको तो अपन खोल सकते हैं है ना। अब इसको देखो मैं ऐसे लिख लूं, e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, क्या बनेगा e की पावर आयोटा n थीटा, इसे अपन क्या लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, बोलिए सही है ना। तो मतलब अगर z इक्वल्स टू ऐसा दिया है cos प्लस iota sin theta की पावर में इंटीजर, तो उसे तो हम n को सीधे अंदर ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये तो हो गया एक केस। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि z बराबर cos theta प्लस iota sin theta की पावर में मान लीजिए p by q,
रैशनल नंबर। या फिर ऐसे कर लें, 1/n रैशनल ही है, एन इंटीजर है ना। अब कैसे करेंगे वो, ये चीज आप याद रखिएगा। पहले इसको लिखते हैं कॉस, जनरलाइज करते हैं, 2k π + θ प्लस आयोटा साइन 2k π + θ। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते हैं इसको, बाय एन प्लस आयोटा साइन 2k π + θ बाय एन, इस तरह से। मतलब सबसे पहले क्या किया, एंगल्स को जनरलाइज किया, फिर जो भी यहां पर है उसे अंदर ले गए। कैसे ले जाते हैं, अब चक्कर क्या है, इसमें एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि तो देखा जाए तो एन, अगर इस पावर को मैं इधर ले जाऊं तो क्या है, जेड की पावर एन इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है, एक इक्वेशन। जेड के टर्म्स में कितनी डिग्री है इसकी, एन। रूट्स कितने आएंगे, एन। एन रूट्स आने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, के का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, 3 से लेकर n-1 तक, हमेशा यही रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब जैसे मैंने मान लो 0 रखा, मैंने क्या रखा, k बराबर 0, बताओ क्या आएगा आंसर, z1 बराबर, इसको ऐसे लिख लें, मतलब बार बार लिखना पड़ेगा पूरा, e की पावर आयोटा 2k π + θ बाय। अब रख दो k को 0, बोलो e की पावर आयोटा थीटा बाई एन है ना। अब आपने k इक्वल टू 1 रखा, बोलो थीटा प्लस 2π/n, चलता रहेगा बेटा। तो k बराबर रखिएगा n-1, तो कितना आएगा, e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 × n-1 i, ठीक है ना, बाय n। तो ये कितने रूट्स आ गए अपने पास, n रूट्स। बोलिए, मतलब ये अपनी इक्वेशन थी, ये तो क्या आसान है, ये इक्वेशन थी, जनरलाइज किया, n को अंदर ले गए, इसको e की पावर में लिखा, k का वैल्यू रखते गए, सारे रूट्स मिल जाएंगे। पहले लिखो पी वाई क्यू में कुछ नहीं, क्यू तो यही काम करेगा जो ये कर रहा है, पी अंदर चला जाएगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, 2k π + P θ π³। उसमें भी कितने रूट होंगे, क्यू रूट्स। बेटा अब देखिए, अपन इसको एग्जांपल से समझेंगे, देखिएगा आराम से। फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइज, जैसे है अपने पास इक्वेशन, जेड की पावर 6 = 1। अब ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी, क्या डिग्री है इसकी, 6। आपको कितने रूट निकालने पड़ेंगे, 6। स्टेप बाय स्टेप देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले जेड इक्वेस टू 1 को क्या लिखोगे, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखते हैं ना, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो क्या लिखेंगे, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, कोई दिक्कत किसी को। अब इसको जनरलाइज कर दूं, कॉस 2k π + 0 प्लस आयोटा साइन 2k π, बोलो सही है। जेड क्या आएगा अपने पास, कॉस 2k π / 6, सही है ना।
प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय 6। ये कहां से कहां तक होगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक। बोलिए, मतलब कितना है जेड? ई की पावर आयोटा आयोटा के पाई बाय 3 है ना, तो कट जाएगा। अब बताइए, बहुत ध्यान से देखना, मैंने रखा के बराबर 0, पहला रूट क्या आएगा? दैट इज एग्जैक्टली 1 है ना। अपन ने रखा के इक्वल टू 1, बोलो फिर के इक्वल टू 2, बोलो के इक्वल टू 3, पाई ना, के इक्वल टू 4, 4π/3 ना, के इक्वल टू 5, कितने रूट आ गए? 6 के 6 रूट्स। अब समझिएगा, एक रूट तो क्या है अपने पास, जेड इक्वल टू 1 है ना, दिस इज 1, ये अपना है पहला रूट जेड 1। देखो जेड 2 क्या है? आयोटा पाई बाई 3, ये जेड 2 है, दैट इज ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, सही है ना। एंगल कितना होगा ये वाला? 60 डिग्री। अगला क्या है? आयोटा 2π/3 जेड 3 ई की पावर आयोटा 2π/3, सही है कि नहीं है। अगला कौन सा है? पाई, जस्ट इधर आएगा, लेंथ सेम होनी चाहिए ना, -1, दैट इज जेड 4, सही है। एट 5 बोलो, 4π/3, ई की पावर आयोटा 4π/3, और क्या आएगा? 5π/3, एक एंगल कितना है? 60, 60, 60, ये भी 60 होगा फिर, 30, 30, थोड़ा सा ऐसे कितना है? डेट 6, ई की पावर आयोटा 5π/3, समझ रहे हो? मैंने अगर ये सारे वर्टेक्स मैच कर दिए, मिला दिए, ज्वाइन कर दिए, जो भी रूट्स अपने पास आ रहे हैं उसे यदि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में सजा दें, लिख दें, तो आप देख रहे हैं, क्योंकि तो सबके मॉडुलस तो 1 ही होंगे इस क्वेश्चन में, सबकी लेंथ क्या है? ये 1 है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सबके बीच के एंगल भी सेम है, 60 60 डिग्री ही एंगल सबके बीच में होंगे। सबके बीच में कितने एंगल है? 60 डिग्री। कैसा हेक्सागन है ये? रेगुलर हेक्सागन। बोलिए, इसका मतलब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो रूट्स आएंगे वो रूट्स कैसे आएंगे, क्या बनाएंगे वो रूट्स? एक रेगुलर हेक्सागन। 6 रूट है तो रेगुलर हेक्सागन, 7 होंगे तो हेप्टागन, 8 होंगे तो ऑक्टागन। और देखिए, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, ये एंगल कितना बनना है? 60, और ये भी कितना है? तो ये और ये आपस में क्या है? एक दूसरे के कंजुगेट। तो जेड टू और जेड सिक्स, जेड टू और जेड सिक्स था ना, ये कंजुगेट, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? जेड सिक्स बराबर जेड टू बार। और बताइए, जेड थ्री और जेड फाइव, वी कैन राइट जेड फाइव इक्वल्स टू जेड थ्री बार, तो सही है कि नहीं है? है? सही है, क्योंकि तो दो रूट तो रियल मिल रहे हैं अपने को, एक तो 1 और एक -1, दो रूट रियल हो गए, प्योर रियल, बाकी 4 रूट कॉम्प्लेक्स थे तो वो पेयर में ही आएंगे। ये भी हमेशा होगा कि जो रूट इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो हमेशा पेयर में होंगे, अगर जेड वन है जेड वन बार भी होगा। इवन पावर थी तो 1 और -1 दोनों मिले,
ऑड पावर होगी तो एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। तो अब मान लो ऑड पावर है, एक तो वन अलग हो गया, बाकी कितने बचे? इवन, जो इवन बचेंगे वो पेयर में होंगे। पेयर में कैसे आएगा? बोलो ये बात, ये बात कैसी लगी? ठीक है, अगर कोई बोले कि भैया इसमें आप ये निकाल दो कि जेड वन माइनस जेड टू निकालो, ये हेक्सागन की साइड्स की लेंथ, वो तो निकाल सकते हैं भाई। ये दोनों लेंथ बराबर, ए भी 60, ए भी 60, बनी आएगा। सही बात, मतलब कुछ सॉल्व नहीं करने का है इसके लिए। और देखें, अब इस इक्वेशन क्या थी, जेड की पावर 6 माइनस 1 ना, क्या रूट्स आए हैं इसके? जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड थ्री, जेड माइनस जेड फोर, जेड माइनस जेड फाइव, जेड माइनस जेड सिक्स। सही है, अब रूट्स आ जाते हैं सारे, तो कितना है, जेड माइनस वन, जेड माइनस जेड टू लिख लो, जेड माइनस जेड थ्री भी लिख लो, ये जेड प्लस वन, ये कितना है, जेड फाइव, जेड माइनस जेड थ्री बार, जेड माइनस जेड फोर, सॉरी जेड टू बार। सही है, लिख लो पहले, इतना स्पेस बोर्ड भर चुका है, प्योर कॉन्सेप्चुअल है, समझ में ना आए तो पूछ लेना, इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। लिखना कि भाई चूंकि सारे रूट्स की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो ये एक सर्कल पे लाई करेंगे, यूनिट सर्कल, ऑल रूट्स लाइज ऑन अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। क्या बनाया तुमने? ठीक है, फिर भी बैग गया। कुछ नहीं है तो भी कर रहा हूँ, ये रूट्स है ना, रूट्स होते हैं तो फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं ना अपन लोग। अब बस जेड वन की जगह वन आ गया, जेड टू की जगह जेड टू, जेड थ्री की जगह जेड थ्री, जेड फोर माइनस वन है, और जो जेड थ्री जेड फाइव है, जेड फाइव क्या है, जेड थ्री का कंजुगेट, जेड फाइव की जगह जेड थ्री कंजुगेट, जेड सिक्स क्या है, जेड टू का कंजुगेट, जेड टू बार, लिख लिया। तो अपन ने क्या लिखा है कि जेड की पावर 6 माइनस 1, बता रहा है एक बार, जेड माइनस वन, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड टू बार, सही है ना, जेड माइनस जेड थ्री, जेड माइनस जेड थ्री बार, बोलिए, छह रूट हो गए, एक रह गया, जेड प्लस वन, तो जेड प्लस वन, चलो क्या बनेगा, ये जेड स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जेड स्क्वायर माइनस जेड टू प्लस जेड टू बार इंटू जेड प्लस जेड टू अमाउंट का स्क्वायर, बोलिए। ना ये क्या बनेगा, जेड माइनस जेड थ्री प्लस जेड थ्री बार प्लस मॉड ऑफ जेड थ्री का स्क्वायर, क्या हो गया, डर कह रहे हो इतना, डरो मत यार, डरो मत, यही जीवन है। अब जेड टू प्लस जेड टू बार क्या होगा, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड टू है ना, और जेड टू के अमाउंट तो बन ही रहेगा सबका, बताइए जरा। कितना आएगा इसका रियल पार्ट जेड टू का, जेड टू क्या आया था,
है क्या? पाई बाई थ्री है ना, तो कॉस पाई बाई थ्री ना, ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाई थ्री इंटू जेड प्लस वन, और जेड थ्री बताओ बताओ बेटा। जेड की पावर सिक्स माइनस वन बराबर जेड स्क्वायर माइनस वन, नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, अभी अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन से, ये तो खैर पाई बाई थ्री होगा, पाई बाई सिक्स तो नहीं देख, 60 डिग्री है, बहुत छोटा वाला हो गया ना ये तो, बड़ा वाला होता तो और अच्छा रहता। ठीक, मतलब अब इसमें क्या है देखो, जैसे मैंने ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई, अभी इसमें कम रूट से ज्यादा रूट होंगे तो इसमें कई सारी चीजें वो पूछ सकता है, जिसके लिए हमें इस पूरे आइडेंटिटी में क्या रखना पड़ेगा, जेड इक्वल टू वन या फिर माइनस वन, वो रखने पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया सा बनेगा जो अपन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो पहले इतना लिख लो, मैं क्वेश्चन देता हूँ उससे वो क्लियर होगा, लिख लीजिए पहले इसको। अब आपको करना है वाला क्वेश्चन ना, फाइंड ऑल जेड, एक और ले लो पहले, मतलब सारे रूट्स निकालने हैं, कौन किसका कंजुगेट है, इस पेयर के फॉर्म में लिखना है और बनाना है कि क्या हेक्सागन हेप्टागन क्या बनेगा, है ना, उसकी साइड्स क्या हैं सब बताना है, ऑल इंफॉर्मेशन, रूट सारे चेक कर लो। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं यार, ये तो वन आ गया एक रूट तो ना, दूसरा है आयोटा 2π/7, कितना होता है एंगल लमसम 2π/7, 50 60, ठीक 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 चलो 51 डिग्री मान लेते हैं। वही तो वो एंगल से मालूम पड़ेगा बेटा, है ना, 51 डिग्री के आसपास मानना है ना अपन, तो ये डबल एंगल है उसका 100 होगा, जेड थ्री है ना, जेड फोर कितना है 51 × 3 150 के आसपास ना, और जेड फाइव पाई प्लस पाई बाई सेवन ना, इसके जस्ट नीचे होगा, एक सेकेंड रुको, जेट फोर जेट फोर, जेट सिक्स कितना है 10π/7, जेट थ्री कितना था 4π/7, ये है 6π/7, ये है 8π/7 है ना, वो कितना है 10, तो ये इधर आए इधर ही आएगा जेड सिक्स, यही बार आए होता 10π/7, फिर 12π/7 लास्ट बचेगा, ये कितना है 12π/7, ये 2π होगा, 2π है, वही मैं उसी तरह से प्लॉट करता हूँ बेटा, सब फिगर ठीक नहीं बना अपना, इस बार आयोटा 12π/7, एक बार सबको मैच कर लेते हैं बेटा, अब क्या कर सकते हैं है ना, जैसा बन गया वैसा बन गया, लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है लेकिन है, सारी लेंथ वन है, अब ये एंगल कितने हैं सबके बीच के 2π/7, 2π/7 × 7 2π सही है, ये लेंथ ही बनी होगी है ना, अब कौन किसका कंजुगेट है बताओ, जेड टू और जेड सेवन कंजुगेट, जेड थ्री और जेड सिक्स, अच्छा सॉरी वो निकालना पड़ेगा ना, निकल जाएगा चलो वो छोड़ो भी, ये बताओ
Z7 इज Z2 बार है ना, Z6 इज Z3, Z5 इज Z4 बार, कितने रूट से? सात, सात में एक प्योर रियल, बाकी बचे छह इमेजिनरी। छह कैसे हैं? कंजुगेट पेयर में, पहले बोला था मैंने है ना, हमेशा पेयरिंग होगी, क्लियर बात। सारे के सारे कहाँ लाई करेंगे? यूनिट सर्कल पे, सबकी लेंथ फ्रॉम ओरिजिन सेम है। और बोलो। हाँ वो मैं वो तो ठीक है। अच्छा आप क्या बोल रहे थे? ये लेंथ कैसे निकाल? ये वन है, ये वन है, ये एंगल मान लो, ये लेंथ एक्स मान लो, कोसाइन रूल लगा दो। अब वो एंगल नहीं मान लो हमें कोई मतलब नहीं है, वी कैन मेक ए एक्सप्रेशन बस, है ना। बस 2 - x² / 2, एक्स निकाल दो यहाँ से, सही है ना। 1² + 1² - x² / 2 × 1 × 1, कोसाइन रूल, तो वहां से एक्स आ जाएगा। अरे राम, शादी नहीं है उसे, नहीं है ना भाई को, अब दिख रहा हो कुछ कुछ। अच्छा एक्सप्रेशन से लगा नहीं है, चलो लिख लो उसको फिर। ये इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, अभी मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन। अभी तो अपन जो मेथड है, जो थ्योरम है, वो समझ रहे हैं, एप्लीकेबल कैसे करेंगे उसको। नहीं, 3D तो 3D के जेई मेंस कर लेंगे, तो भाई 3D में आज ही करनी है ना, एडवांस में डाउट है क्या? जो एडवांस अगले दिन कर लेंगे, एक बार 3D निबट जाएगी ना, फिर वेक्टर बाकी रह गया अपना, भी वो करेंगे फिर। मतलब अभी कर लेंगे, मतलब बात का मतलब आने वाले वीक में करना ही करना है। लास्ट वीक 3 दिन गया था ना, हो गया रे, जल्दी लिखो यार, फोटो खींच लेकर। अच्छा, वैसे भी आ जाता है, फिर भी लिख ले तू, लिख कर आइए, पूरे लिख ले। से समझा रहा हूँ कैसे अपन करते हैं, आए क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। ये तो अपन वही थ्योरम ही तो एक्सपेंड कर रहा हूँ बार बार, थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी अभी कही है मैंने। इससे अच्छा तो हमारा स्कूल था यार, उसमें तो थे मतलब, तो ठीक ठीक था यार, फिजिक्स की भी थी, केमिस्ट्री की भी लैब अच्छी लैब थी, मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, DAVR समाज, हिंदी मीडियम। अच्छा जेन जेन वी जवाहर नवोदय, अब कौन सा वाला? अजमेर डिस्ट्रिक्ट। स्कूल तो हमारा नॉर्मल था, सस्ता वाला स्कूल था, है ना। मेरी 6th है, हाँ सब जगह होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में क्या था कि डमी वाला सिस्टम नहीं था, हम पुराने थे ना उस, इतने साल पहले तो डमी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो हम तो स्कूल जाते थे। अच्छा देसी टीचर थे ना, छोटी सी बात थी मानना स्टार्ट। डेली महीने के 1st डे को पूरा स्कूल बैठेगा, यज्ञ होगा, हवन। आर्य समाज है ना, आर्य समाज मंदिर था, आर्य समाज समझते हो, आर्य समाज होगा, पूरा बड़ा यज्ञ बनता था भाई साहब, उसमें यज्ञ होता था पूरा, सब खुशबू ही खुशबू। और सुबह सुबह 40 मिनट की प्रे संस्कृत में होती थी, वो भी मंत्र होते थे मंत्र। तो मुझे तो कंठस्थ था पूरा,
ओम मतलब याद है, ऐसे बोलना भी सही नहीं है, सारा याद था मुझे, आखन करके बोलता था मस्त एकदम। क्या बेटा, पाप तो अलग चीज है, करो क्वेश्चन करो। पाप ठीक नहीं होते मतलब, तो आपके खुद की मन की शुद्धि के लिए है। भगवान का कॉन्सेप्ट ही इंसान के खुद के लिए है। हाँ तो भगवान को बनाया किसने? इंसान ने, ये बात सत्य है। भगवान का कॉन्सेप्ट ही इंसान लेकर आया था, लेकिन वो समाज के लिए जरूरी है। अगर इंसान के पास होप नहीं रहेगी ना, होप नहीं रहेगी, समाज बन ही नहीं पाएगा, सोसाइटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। होप बहुत बड़ी चीज है, जो गरीब है, परेशान है, दुखी है, हाँ उसके बाद एक उम्मीद ही तो है कि यार भगवान कुछ अच्छा करेगा। नहीं करे कोई ना हो, लेकिन उसको उम्मीद के सारे जिंदगी कट जाती है। उससे अगर ये मालूम पड़ जाए ना, कुछ नहीं है ऊपर, कोई भगवान नहीं है, कोई सच नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई अच्छा सही और गलत भी कुछ नहीं होता, फिर तो वो भी कोई करेगा, निकालेगा वो एक, वो अलग चीज है। मैं पद्धति पे नहीं जा रहा, तो आपकी अपनी इच्छा है, मान जितना मान सकते हैं मानिए। जैसे जैसे आप लॉजिकली क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप चीजों को समझते जाएंगे। एक्चुअली एजुकेशन का मतलब ही यही है, चीजों को समझना तार्किक तौर पे, लॉजिकली। तो केवल उस पे हवन और मंत्रों पे विश्वास। ठीक है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है ना। एक्चुअली जैसा हम लोग सोचते हैं ना, चीजें वैसी तो नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, वैसी नहीं है। है कुछ ना कुछ, ये भी सत्य है ना। मैंने तो नेगेटिव एनर्जी को काफी अच्छे से महसूस किया है अपनी लाइफ में, सीरियसली। वैसे मस्ती वाली बात नहीं होती। एक्चुअली ये मूवीज में दिखाते हैं ना हॉरर, वो हॉरर नहीं होता, मतलब ना एक मूवी में हॉरर एकदम छम छम छम, और रात में गेट खुल रहा है, रात में आंख खुलेगी, किसी टांग पकड़ के खींच लिया, वो दिखाते हैं, वैसा नहीं होता, हॉरर नहीं होता है। इंसिडेंट नहीं, रियल लाइफ इंसिडेंट मैंने देखे हैं, ये चीजें होती हैं। अरे कुछ हुआ था, पूरी क्लास चली जाएगी उसमें। नहीं ये तो होता है भाई, ये मजाक की चीजें नहीं होती हैं।